ऐसा क्या करें कि YouTube हमारी वीडियोस को खुद प्रमोट करे, हमें पैसे भी ना लगाना पड़े, हमें Google Ads से प्रमोशन ना कराना पड़े, हमें लिंक शेयर ना करना पड़े, दोस्तों से कहना ना पड़े, किसी को वीडियो शेयर ना करना पड़े, खुद YouTube हमारे YouTube वीडियो को प्रमोट करे, हमें व्यूज मिले, हमें सब्सक्राइबर्स मिले, ऐसा हम क्या करें? तो यार आज के इस वीडियो में आपको इसी का सॉल्यूशन देने वाला हूं, जो आपका ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्या करें कि YouTube हमारी वीडियो को खुद प्रमोट करे। तो यार इसको जानने के लिए आपको पहले YouTube का एल्गोरिथम एक मैं बता देता हूं, थोड़ा सा एल्गोरिथम बता देता हूं। वैसे मैं वीडियोस में ये बताता रहता हूं, बट आज मैं आपको एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं कि यार YouTube का जो एल्गोरिथम है ना, वो टोटली डिपेंड करता है इंगेजमेंट और वॉच टाइम पर। तो देखो, जब आप कोई वीडियो अपने YouTube पर अपलोड करते हो, सपोज करो आपने कोई वीडियो अपलोड की, अब YouTube क्या करता है, जब कोई नई वीडियो आती है तो उसके टाइटल को पढ़ता है, उसके टैग्स को पढ़ता है, उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है, और पढ़ के उसको समझने की कोशिश करता है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है या इस वीडियो का कंटेंट क्या है। जब YouTube इस चीज को पढ़ लेता है तो वो उसी टाइप के ऑडियंस को आपके वीडियोस दिखाना शुरू कर देता है। कभी सजेशन में दिखाता है, कभी मेन स्क्रीन पर दिखाता है, आपके सब्सक्राइबर्स को भी दिखाता है, जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो कुछ लोगों को दिखाना शुरू करता है। जब वो दिखाता है, सपोज करो कि YouTube ने 100 इंप्रेशन दिए, 100 इंप्रेशन मतलब 100 लोगों को दिखाया जो ऐसे टॉपिक्स के वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो अब क्या हुआ, YouTube ने 100 लोगों को दिखाया, अब 100 में से अगर 50 लोगों ने आपकी वीडियो पर क्लिक कर दिया, 50 लोगों ने आपकी वीडियो पर क्लिक कर दिया और उस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, डिसलाइक किया, जो भी किया, वो तो व्यूवर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट 100 में से 50 लोगों ने अगर आपकी वीडियो पर क्लिक कर दिया तो YouTube का एल्गोरिथम क्या करता है, उस वीडियो को और प्रमोट करना शुरू कर देता है। अब क्यों ऐसा करता है, क्योंकि यार देखो, 100 लोगों को दिखाने के बाद 50 लोगों ने उस पर क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब है कि उस वीडियो में कुछ तो खास है। अब सिर्फ क्लिक होने से बात नहीं बनती, अगर क्लिक होने के बाद उस पर अच्छा खासा वॉच टाइम भी आ जाता है, तब तो समझो भैया वीडियो आपकी वायरल होने ही वाली है, क्योंकि अब YouTube के एल्गोरिथम को यह भी पता चल गया है कि आपका वीडियो सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन से ही नहीं, कंटेंट में भी अच्छा है। अभी आप सोचते होगे यार ये क्लिक करने वाली बात तो थंबनेल से जुड़ी हुई है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ही यही है। आप जब अपना वीडियो अपलोड करो तो थंबनेल उसका कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा बनाओ कि जो भी उसको देखे वो बिना क्लिक किए रह ही ना पाए। अभी आप सोचते होगे यार कि मेरे वीडियोस पर खुद तो व्यूज आते ही नहीं, तो यार देखो, मैं जानता हूं कि आप भी थंबनेल बहुत मेहनत से बनाओगे, बट एक्चुअल में हमें खुद नहीं पता होता कि जो व्यूवर है उसको हम कैसे अट्रैक्ट करें, क्योंकि यार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर हम वीडियोस बनाते हैं, तो यार हम तो थंबनेल अपनी तरफ से बना देते हैं, बट किस्मत से कभी कभी कोई थंबनेल इतनी इंटरेस्टिंग बनती है जो लोग देखकर क्लिक करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या निकल कर आई, आपको थंबनेल बहुत इंटरेस्टिंग बनाना होगा, बिल्कुल अट्रैक्टिव की मतलब देखते ही क्लिक कर दे। दूसरा, कंटेंट अच्छा होना चाहिए ताकि वॉच टाइम मिले, लोग आपकी वीडियो पर टिके, उस पर लाइक कमेंट दें, उसको डिसलाइक भी करेंगे तो चलेगा, यार इंगेजमेंट आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके वीडियोस को मिलने लगती हैं, क्लिक्स, वॉच टाइम और इंगेजमेंट, अगर ये तीन चीजें आपको मिलने लगती हैं तो बिलीव मानो यार आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी और उसको वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब मैं बताता हूं कि अगर ये तीन चीजें आपको नहीं मिलेंगी तो आपका नुकसान क्या है। देखो, हर मिनट यार YouTube पर हजारों वीडियोस अपलोड होती हैं, तो YouTube हर किसी के वीडियो को कितना प्रमोट करेगा। YouTube की जिम्मेदारी है कि अपने व्यूवर को सही चीज दिखाना, और YouTube का एल्गोरिथम वॉच टाइम, लाइक, कमेंट, इंगेजमेंट, यही चीजें देखकर डिसाइड करता है कि कौन सी वीडियो सही है और कौन सी वीडियो खराब। तो यार देखो, जब आपके वीडियोस पर वॉच टाइम, लाइक, कमेंट या क्लिक्स नहीं आती हैं, तो YouTube को पता चल जाता है यार कि ये वीडियो अच्छी नहीं है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स इसको पसंद ही नहीं कर रहे, तो YouTube आपके वीडियो को प्रमोट करना बंद कर देता है। क्योंकि कंटिन्यू अगर YouTube आपकी ही वीडियो को प्रमोट करता रहेगा तो यार जो बाकी सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं YouTube उस पर कब फोकस करेगा। यार देखो, ये एक एल्गोरिथम है, YouTube को सबको लेकर चलना है, वो किसी पर्टिकुलर एक क्रिएटर को लेकर नहीं चलेगा। इसलिए लोग कहते हैं यार कि YouTube पे आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हो गया, क्योंकि पहले के टाइम में इतने वीडियोस तो डलते नहीं थे, तो YouTube के एल्गोरिथम कई बार ऐसा हुआ यार कि फालतू की वीडियोस को भी बहुत व्यूज मिले। क्यों? क्योंकि तब इतना कंपटीशन नहीं था,
अब यूट्यूब के पास इतना कंपटीशन है, उसके पास इतने क्रिएटर हैं कि उसने एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर रखा है, उसने अपने एल्गोरिथम में एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि यार इतने इंप्रेशंस दिखाओ, अगर इतने इंप्रेशंस पर इतने क्लिक्स आ जाते हैं और इतना वॉच टाइम, इतने एंगेजमेंट आ जाते हैं तो समझ लो ये वीडियो अच्छी है, इसको आगे प्रमोट करते रहो। बट अगर नहीं आते हैं, सिर्फ 2-4% आता है, तो इसका मतलब है ये कंटेंट अच्छा नहीं है, इस वीडियो का प्रमोशन तुम बंद कर दो। तो यही कुछ कारण है यार जिनकी वजह से हमारी वीडियोस वायरल भी नहीं होती, और यही वो कारण है जिनकी वजह से हमारी वीडियो वायरल होती है। तो उम्मीद करता हूँ यार कि आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में तो आ ही गई होगी और वीडियो थोड़ा सा पसंद तो जरूर आया होगा। तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी 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 ग्रेट डे।